गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। हैप्पी संडे टू एवरीवन। तो गाइस, आज हम किसी के घर जा रहे हैं, वो भी मेरी फ्रेंड के घर जा रहे हैं। गाइस, वहाँ पर एक पूजा है, तो वो हम अटेंड करने जा रहे हैं। गाइस, फर्स्ट टाइम इस साउथ का कल्चर हम देखने जा रहे हैं। कैसे लोग साथ लोग पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं। सो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि किसी के घर जाके पूजा अटेंड करनी है, वो भी लंदन में। और वीरा इज टेकिंग मी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो गाइस, चलते हैं। जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, बट आप लोगों के साथ जल्दी सफ़र कट जाएगा। तो गाइस, हम निकल चुके हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, धूप और हवा दोनों मिक्स है। धूप बहुत, काफ़ी टाइम बाद निकली है। नहीं यार, वीरा निकली है दो दिन पहले निकली है। गाइस, वीरा को जितनी धूप मिले उतनी कम है। गाइस, वीरा लिटरली रियली मेसी है। तो फटाफट हम जाएंगे एक ट्रेन पकड़ने के लिए। और वीरा लाइट्स की वेट भी नहीं करती है, ऐसे लाइक जबरदस्ती रोड पे हो की वेट करनी है। ओ हरे बंदे दी। गाइस, हाँ मैं कहती हूँ कि जब तक वो ग्रीन मैन ना आ जाए तो क्रॉस नहीं करते, पर ये मैडम भाग भाग के रोड क्रॉस करती है। विच आई हेट, कभी कभी नहीं, यू ऑलवेज डू इट और शी ऑलवेज डू इट डज इट सॉरी। तो गाइस, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। दो ट्रेन्स हमें बदलनी होगी, ये पहली है। यहाँ पर बस दो स्टॉप्स बैठना है। इस मैडम का सामान देखो। तो गाइस, अभी हम लेंगे एलिजाबेथ की लाइन जो आ रही है 3 मिनट में पूरे। तो ये ट्रेन सीधी हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगी। तो गाइस, हम जा रहे हैं रॉमफर्ट। यहाँ ट्रैफिक से रॉमफर्ट का रास्ता पूरा 45-40 मिनट्स है। तो यह सभी हमारी ट्रेन आ जाएगी, हम ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। फटाफट ट्रेन में बैठ के चलते हैं, खुद हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, वो भी वीरा मैडम की वजह से। तो गाइस, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, वीरा मैडम वहाँ है। तो काफ़ी टाइम लगा रही है ये ट्रेन, रुक रुक के चल रही है। बट आई थिंक हम पहुंच जाएंगे, बट हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट होता ही। अच्छा, आ गए हम। वाह। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रॉमफर्ट स्टेशन से 5 मिनट्स की वॉक है उसके घर, आई मीन मेरे फ्रेंड के घर। बट हम वेट करेंगे स्टेशन पे, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड का पिकअप करके फिर उसके बाद उसके घर जाना। हाँ गाइस, ग्रुप होना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या तो गाइस, ओनम फेस्टिवल है साउथ लोगों का, पर मुझे नहीं पता क्या लेके जाते हैं। गाइस, हम लाइक खुद ही में डिसाइड कर रहे हैं, हमें फ्लावर्स लेके जाने चाहिए या फ्रूट्स लेके जाने चाहिए या क्या लेके जाने चाहिए। फिर मैंने वीरा को बोला कि फ्लावर्स आर डीजल्स। फिर वीरा कहती है कौन सा कलर। तो मैंने कहा पूजा का एक ही कलर होता है, ऑरेंज येलोइश। असली फूल लेके जाइए, नकली फूल लेके जाइए। वीरा कुछ भी नकली फूल देने ऐसा ऐसा नहीं यार, हम असली के फूल लेके जाएंगे, नकली नहीं। गाइस, इग्नोर वीरा। नकली मींस लाइक सजावट वस्तु। हाँ, तो गाइस बहुत ही प्यारी धूप आ रही है, पूरे सिर के ऊपर है, मेरे कैमरे में दिख रही है पूरी धूप की लाइन। तो गाइस, यहाँ से हम कर रहे हैं फूल सेलेक्ट के कौन से हमें फ्लावर्स लेने चाहिए। फूल कह रही हूँ फ्लावर्स लेने चाहिए, तो आई थिंक दीज येलोइश ये अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस, प्लांट ड्रॉप वीरा ने किया है, सो हम ये वाले फ्लावर्स ले रहे हैं एंड चॉकलेट्स। तो गाइस, हम वीरा की फ्रेंड के यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम वीरा की दोस्त की वेट कर रहे हैं, जो कि निशा मैडम है। वो बहुत टाइम लगा रही है गाइस, लेट हो रही है। मैं पूरे रास्ते कहती आई हूँ कि हम लेट हुए, अब वो हमें लेट और ज़्यादा करवा रही है। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बस वेट कर रही हूँ। पिछले 5-6 मिनट से हम लोग वेट कर रहे हैं, बहुत होते गाइस 5-6 मिनट, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। तो गाइस, फाइनली हम अंदर जा रहे हैं घर की, और निशा मैडम आ चुकी है, पर वो अभी हमें वीडियो में नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। ओके, तो थोड़ी देर में मैं अपने दोस्तों आपको लोगों को दिखाऊंगी। एंड अब हम जा रहे हैं घर, जिसका फंक्शन है गाइस। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बर्तन साफ कर देती रात के। निशा मैडम रेडी हो चुकी है और हम तो रेडी थे, तो अभी बस वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बस मेहमान। तो गाइस, यहाँ खाना खाने की प्रिपरेशन हो रही है।
तो गाइज यहाँ खाने की प्रिपरेशन हो रही है। तो गाइज इनका कल्चर है कि हमें इन पत्तों में खाना पड़ेगा। तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारी 23 डिशेस है गाइज। तो गाइज खाना सर्व हो रहा है धीरे धीरे करके। तो गाइज खाना पीना तो बहुत बढ़िया से हो गया। तो वो लोग हमें फोर्स कर रहे थे कि हम रुक के गेम्स वगैरह खेले, पार्क वगैरह जाएं, पर हमें कुछ काम आ गया यार, तो हम बाकी के एक्टिविटीज़ उनके साथ नहीं कर पाए। लाइक जो भी वो अपने फेस्टिवल्स में फेस्टिवल में करते हैं, हम वो चीज़ें नहीं कर पाए उनके संग। बट जो मेन चीज़ था वी डन इट विद देम, जैसे लाइक खाना बनाना और हमें खिलाना उनका मेन टारगेट था। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मैं अपना प्यारा सा छोटा सा व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था गाइस, अलग अलग टाइप के डिशेज थे, थोड़ी थोड़ी सब चखी हमने, फर्स्ट टाइम खाए। सो गाइस एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, किसी के कल्चर को इतना करीब से जानना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड बहुत ही प्यारी प्यारी डिशेज उन्होंने बनाई, वो भी हमने ट्राई की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वी इज़ अ बिजी गाइस, तो इसलिए मैं ही बस बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बट फन पार्ट हम छोड़ आए, फिर हमें काम था, तो वो थोड़ा सा लाइक फील बैड हो रहा है मुझे कि हम फन पार्ट छोड़ रहे हैं। बट कोई नहीं, फिर से लाइक हर साल होती है ये लाइक इट्स अ फेस्टिवल, आई डोंट नो, इस ओनम है ना, ओनम है ना, तो फेस्टिवल का नाम है, तो हर साल होती है, तो मे भी अगले साल होगा। तो यस गाइस, अगर आपको ये मेरा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।